Guys, आप सभी तो जानते हैं फलों का राजा कौन है तो वही बता दे कौन है अरे आम और कौन हो सकता है हल्क तो समझता था फलों का राजा बर्गर होता है अरे बर्गर तो यार फल थोड़ी होता है खैर छोड़ो का मैं ये कह रहा था असल में आज लिटरली में भाई टाइटन मैंगो मैन हमारे घर पर आया और तो लिटरली में टाइटन मैंगो मैन ने डायरेक्टली डायमंड स्पीकर मैन को चैलेंज कर दिया है बिल्कुल भाई यहाँ पर किसकी हिम्मत हो सकती है कोई डायमंड स्पीकर मैन को चैलेंज कर पाए और कहा कुछ चैलेंज इस तरह से कि ये दोनों आज रेस लगाएंगे रेस में जो भी जीतेगा

ये मैंगोमैन चीटिंग कर रहा है नहीं ये मेरे प्यारे सपोर्टर्स की वजह से हो रहा है दोस्तों आप मैंगोमैन ओपी लिखते रहिए वाह भाई वाह यार मानना पड़ेगा इस मैंगोमैन को कहा इस लेटरल में फिनिश लाइन तो इधर है और ये मैंगो मैन तो उससे भी दो गुना ज्यादा आगे चला गया भाई इसका असली इकदार तो मैंगो मैंगोमैन ही ऐसा कुछ नहीं है ये में रहा है 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 मेरा मैंगो मैन ने रूल तोड़ा इस रेस के फिनिश लाइन उससे उससे आगे नहीं अरे अरे इससे क्या मतलब वो फिनिश कर गया रेस को इवन वो आगे निकल गया भाई ये क्या कर रहा है भाई तू स्पीकर मैन हेलो ये तो चीटिंग हो जाएगी गाइस अगर आप मेरे विपक्ष में हैं तो जल्दी प्लीज वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब हमें यहाँ पर इस डायमंड स्पीकर मैन को रोकना पड़ेगा संडे को फोड़ने के लिए मुझे नहीं लगता है एलिमेंट अलैक इस डायमंड स्पीकर से फूट पाएगा अच्छा अभी सुपर साउंड सुपर सोनिक डायमंड साउंड मारता हूं एक मिनट ले तो लेवल बंदा बन गया अब ये अब तो ये आर के सी की भी बैंड बजा सकता है इसके टक्कर में कोई भी नहीं है मैन मैं, मैं तेरा जूस निकाल कर पी जाऊंगा मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा एक मिनट ये क्या हुआ मेरा एलिमेंटल है इस डायमंड स्पीकर मैन ने कैसे फोड़ दिया ये तो

पे खड़े हो के तमाशा देखोगे माई oh गॉड मैं कैसे जाके मैन? मैं एक मिनट ये क्या बॉडी बॉडी और स्वागत नहीं करोगे हमारा वो नहीं

क्या सामने फल अजर्स के लिए है क्या नहीं फ्रैंकलिन जल्दी से इस इस आम को खाली इसके अंदर से उठा के सिर्फ आम खाना बाकी है मैंने जैसी आम खाया मैं तो कहीं और ही आ गया फ्रैंकलिन मेरे भाई मैं मर रहा हूं एक मिनट ये कैसी बात है कर रहा है अगर मैं तुझे किसी भी तरह से बचा सकता हूं तो मैं तो बचाऊंगा नहीं फ्रैंकलिन अब मैं नहीं सकता अगर इस पूरी दुनिया में आम को सर्वाइव करना है पूरे मैंगो को करना है तो मेरा बचना जरूरी है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं मर गया तो सब खत्म हो जाएगा मैं कुछ मैं कुछ समझा नहीं मर गया तो मेरे जैसा कोई और या मुझसे भी खतरनाक मैंगो मैन इस दुनिया में सर्वाइव करना चाहिए इसलिए मैं यहां पर अपने आम का बीज तुझे दे रहा हूं मैं कुछ समझा नहीं मैं तुझे एक आम देता हूं तू बस उसको खा ले कुछ ही टाइम में मेरी पूरी बॉडी यहां पर जल जाएगी और मैं हमेशा के लिए मर जाऊंगा मेरे भाई मुझे माफ करना तू तो यार डायमंडो मैन हुआ करता था अरे इतना बड़ा अरे मेरे से तो बाप रे खाया भी नहीं जा रहा <laughs> जल्दी खाता हूँ मैंगो मैन बन गया मुझे लगा यहाँ पर मैन आखिरी आदमी मुझे आखिरी आम खिला रहा है बट उसने तो पता ही नहीं कि मैं मैन बन जाऊंगा बट मैं प्रॉपरली यहाँ पर मैंगो मैन नहीं बन पाया मेरे हाथ अभी ठीक से नहीं है हेलो मैन मेरे भाई

मम्मी क्यों मार रहे हो क्योंकि इसके बड़ी इसके बड़ी तेरे भाई ने हमारे मालिक डायमंड स्पीकर गॉड के खिलाफ बगावत की है इसकी बड़ी इसकी बड़ी एक मिनट न, तेरे भाई ने इसके एक सिंचन बिंचन चौप क्यों ये एक मिनट भाई साहब बा भाई कल वे बचा है वे की भैया क्या है बा कल वे भाई हमारी बैंड में बे आ देंगे ओ नो सिंचन बिंचन चौप मैं तुम लोगों को बचा लूँगा मेरे भाइयों रुको अरे गाइस क्या करूँ आइडिया। सबसे पहले मैं यहां पर सिंजो मिजे चॉप को बचाने के लिए एक सुपर गन स्पॉन करता हूँ हाँ, एक मैंगो सुपर गन स्पॉन करता हूँ वो ज्यादा बढ़िया रहेगा ये ओह माय गॉड व्हाट इस गन के अंदर से मेरे क्लोन्स निकल रहे हैं वेट व्हाट गाइस लेकिन एक चीज नोटिस कर पा रहा हूँ

और यहाँ पर आम खा रहा है और हमें गुटलिया बीनने दे रहा है भाई और एक आज आइडिया आप लोग जल्दी से मैंगो पूल लिखिए फिर देखिए यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ मैं यहाँ पर आम के रस से और आम के छिकलों से बहुत बड़ा यहाँ पर मैंगो पूल बनाऊंगा मैंने मैंगो पूल बना दिया भाई साहब रात का मौसम हो गया बाट नहीं आप देख रहे हैं आम कैसे चौमक रहे हैं अभी चौप इसी मैंगो पूल में गिरेंगे और उनकी जान बच जाएगी चौप, आम से आ जाओ। ये मैंगो लोग मीठा -मीठा ये तो, ये तो अरे मैं पास सुनो अभी मेरे को तुम के सबसे बड़े आम ढूंढने दो दिखी थी एक तो ये जो सामने वाली बिल्डिंग है इसकी छत पर है और दूसरा हमारे घर पर मैंने सोचा वो नकली आम है वो दो मैंगो भाई साहब पहले इस पास वाला जो ये छत है इसके ऊपर जाते हैं भाई साहब क्या मैंगो यार मेरा तो लिटरली में खाने का मन कर रहा है वैसे गाइस आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है एप्पल है बनाना है या फिर मैंगो या फिर वाटरमेलन जल्दी से कमेंट में लिखिए जल्दी जल्दी वैसे मेरा फेवरेट तो भाई मैंगो ही है और इसी में मैं मैंगो मैन बन गया हूँ चलो गाइस जल्दी चलते हैं और जाकर अपने घर पर जाते हैं मुझे अपने घर से एक और बड़ा मैंगो लेना है सिंचन विजय चौक की बात अगर सही निकली तो मैं दुनिया का बहुत जल्दी गॉड मैंगो मैन बन जाऊँगा उसके बाद मैं सारे वेंजर्स को भी बचा है एक मिनट मेरे घर पे ये क्या भाई साहब एक और डायमंड स्पीकर मैन और भाई काफी मजा आ रहा है ये मैंगो को मैं बहुत जल्दी यहाँ पर नाश्ते में खाने वाला हूँ भाई साहब

फाइनली और गाइस अभी सुपर मैंगो फायर अटैक तुमने मेरे भाई को जला के मारा था ना लो अब मैं तुम्हारी बैड में जाऊंगा मार दिया रहा फाइनली गाइस एक डायमंड स्पीकर की तो बैड में आती और अब अच्छा कौन है तू तू नंबर को बचा लिए अरे मेरा नाम फ्रैंकलिन है और मैं जल्दी यहाँ पर आया हूँ <raiseses them> भाई साहब हम फिर से आम खा रहे हैं और यहाँ पर हमारा साइज बहुत जल्दी बढ़ने वाला है लेट्स गो अभी मैं गोल्डन मैंगो मैन बन चुका हूँ और मेरा साइज पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गया है काज अब मैं जा रहा हूँ सीधा अवेंजर्स को बचाने के लिए अवेंजर्स देख के तो भाई मुझे शौक ही हो जाएंगे और वो डायमंड स्पीकरमैन का बच्चा भी अब आ जाइए क्या ये सामने से गोल्डन मैंगो मैन कौन आ रहा है और उसकी आपकी बड़े बड़ी चिंता मत कीजिए मालिक इसको तो हम आराम से खा जाएंगे काफ़ी रसीला आम लगता है मुझे अच्छा तो तुम लोग मेरे को खाओगे गाइस ये लोग जानते नहीं है मेरे पास एक नई टेक्निक आई है जिसको कहते हैं सुपर मैंगो जूस टेक्निक मैं उसका इस्तेमाल करके आसपास के इसकेबड़ीज को

डॉक्टर ने कुछ कुरियर भेजा है आसमान में देखिए आपको पता चल जाएगा वैसे तो बहुत टेस्टी लग रहा है वो आम लेकिन बहुत बड़ा है मैं खा नहीं पाऊंगा इसको व्हाट तू तो आम मैंगो लिया है क्या बिल्कुल अरे ऊपर देखिए ना तब तो आपको पता चलेगा देखते हैं भाई साहब कौन सा मैंगो है कितना बड़ा है एक मिनट ऊपर एक प्लेटफॉर्म है और अब अच्छा इस प्लेटफॉर्म में मैंगो ये मैंने बनाया तरल गया ओ भैया ये तो बादलों के भी ऊपर है अब इसको मैं अटैच कैसे उसकी चिंता मत कर मैं पर सुपर अटैचमेंट ऑन करके तेरा इस मैंगो को तेरा हेड अटैच करूंगा तो ये दुनिया का सबसे बड़ा टाइटन मैंगो मैन बना दूंगा अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। क्या हो रहा है बहुत जल्दी मैं यहाँ पर लिटरली मैं टाइटन मैंगो मैन बनने वाला हूँ वन टू थ्री

सी जूस पहुंच गया जिस वजह से मेरे पूरे वायर्स चल गए मैं बर्बाद हो गया वो हमने फाइनली इसको हरा दिया बाकी गाइस आपको स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है वो भी देख लीजिए बहुत मजा आएगी थैंक यू सो मच